हेलो दोस्तों, देखिए आज हम आपको इनालसा फूड प्रोसेस का ये जग है, इसका नीचे का पूरा सॉकेट ब्रश प्लेट वगैरह सब निकली हुई है। ये किसी मैकेनिक को कस्टमर ने दिखाई थी, उसने इसका सामान सब घुमा दिया। आज हम आपको दिखाते हैं कि इनालसा का फूड प्रोसेस का जो जग है उसमें सॉकेट और ब्रश प्लेट कैसे लगाएं। पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाएंगे। ये इनालसा का जग है, देखिए अब हम इसमें आपको ब्रश प्लेट और सॉकेट इसका बदल के दिखाते हैं कैसे इसका सॉकेट और ब्रश प्लेट बदलेंगे। ये देखिए इसकी ये ब्रश प्लेट है, ये इनालसा कंपनी का फूड प्रोसेसर जो होता है उसका जग है, ये इसकी ब्रश प्लेट है। और दोस्तों ये इसका सॉकेट है, इसकी हम पूरी जानकारी आपको देंगे, इसको किस तरह से फिट किया जाता है, किस तरह से इसको फिट करें। इसमें तीन पेंच होते हैं और अभी आपको हम दिखाते हैं। देखिए इसमें ये इसके तीन पेंच हैं और ये बार्सल टाइप का इसमें होता है, ये स्क्वायर शेप में होता है, ये तीन होते हैं और इसमें नीचे तीन रबड़ के बार्सल भी लगे होते हैं। दोस्तों ये इसके रबड़ के बार्सल हैं, ये सारा फिट करके आपको दिखाते हैं किस तरह से इसको फिट किया जाता है। देखिए दोस्तों, पहले इसकी ब्रश प्लेट में जो ये रबड़ लगी होती है उसमें ये तीन छेद आप देख पा रहे होंगे, इन तीनों छेदों को, ये जो ग्लास में तीनों छेद हैं इसके अकॉर्डिंग आप मिला के इसको सेट करें। कुछ इस तरह से आप इसको सेट करेंगे, इसके जो ये छेद हैं तीनों, ये जो आप छेद देख पा रहे हैं इसको हम मिला के इस ग्लास के छेदों से इस तरह से इसको फिट करेंगे। और फिर ये जो हमारा सॉकेट है इसमें भी तीन छेद आप देख पा रहे हैं, इसमें भी तीन छेद हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें भी ये तीन छेद हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक छेद है, इधर है, ये तीन छेद हैं। इसके भी छेद आप मिला के इसको इस तरह से रख कर छेद मिला लें आप पहले, क्योंकि इसमें आपने नट लगाने हैं। और इससे पहले आप इसमें बार्सल भी आपको लगाने हैं, तो बार्सल आप इसमें रख लें, ये वाले जो बार्सल हैं ये आप इसमें रख लें। इस तरह से बार्सल लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार्सल अगर आप नहीं लगाएंगे तो इसमें गैपिंग रहेगी और ये इसका सॉकेट आवाज़ करने लगेगा। अब जो इसके छेद हैं इससे हम इसको मैच करेंगे इस तरह से, और फिर आप इसमें एक पेंच लगाएं पहले, या आप इस तरह से इसका पेंच लगा के इस उस प्लेट को इस तरह से ये निकाल लें, ये देखिए। और आप बार्सल भी इसमें लगा सकते हैं, बार्सल इसमें लगा लें इस तरह से, एक पेंच की आप सेटिंग कर लें, फिर आप दूसरा पेंच भी लें और इसको इसमें डाल लें। ये देखिए हमने ये दूसरा पेंच भी इसका ही डाल दिया है, और आप जो रबड़ का बार्सल है वो इसको यहाँ पे लगा लें। इस तरह से हमने दो पेंच इसमें लगा दिए और तीसरे पेंच को भी हम इसी तरह से इसमें पहले डाल लेंगे। ये देखिए हमने ये तीनों पेंच इसमें डाल लिए हैं और तीनों बार्सल भी हमने लगा दिए हैं। अब आप इसके सॉकेट में जो पेंच है सेटिंग करें, क्योंकि इस तरह से अब आप इसके सॉकेट में के छेदों में इन तीनों पेंचों को डाल दें। पेंच से थोड़ा सा रोक के रखें ताकि आप जो सॉकेट डालें तो आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए ये हमने तीनों पेंच इसके सॉकेट में डाल दिए, आप देख पा रहे होंगे ये तीनों पेंच बाहर निकल आए हैं इधर को। अब हमें जो ये बार्सल लगाने हैं, ये बार्सल, इन बार्सलों का बहुत बड़ा रोल होता है। इन बार्सल, इस बार्सल को आपको सही तरीके से लगाना है। ये देखिए हम इसमें ये बार्सल लगा रहे हैं, देखिए, क्योंकि इस बार्सल का बहुत बड़ा इसमें रोल है। क्योंकि गोल वाले बार्सल आप इसमें लगाएंगे तो वो बार्सल इसमें आएंगे नहीं। बार्सल लगाने के बाद आप पेचकस की सहायता से इसको कस दें एक पेंच को,
अभी भी हम आप देख पा रहे होंगे हम उसको पेचकस की सहायता से इसको कस रहे हैं। ये देखिए अभी मैंने फुल नहीं कसा है, ये देखिए आप ये वार्सल ये लग चुका है इसमें। इसी तरह से हम दूसरे वार्सल को दूसरे पेच में लगाएंगे। ये देखिए मैं इसमें लगाता हूँ इसको। और इसको भी फिर हम पेचकस की सहायता से कसेंगे। ये देखिए ये वार्सल भी हमने लगा दिया है इसका। अब हमें इसका तीसरा वार्सल लगाना है। आप वार्सल को पीछे से पकड़ के भी सकते हैं नट पर लगने के बाद, तो फिर आप इसको पेचकस के माध्यम से सहायता से इसको प्रॉपर तरीके से कस दें। ये देखिए हमारा ये सारे वार्सल लग गए हैं, पूरा ये टाइट हो चुका है। आप इसको पूरा टाइट कर दें। एक पेंच हमारा थोड़ा दूर है, हम इसको पहले टाइट कर देते हैं। ये देखिए तीनों पेंच आप प्रॉपर तरीके से इसके कस दें, फुल टाइट कर दें। पहले आप एक एक दो दो चूली चढ़ाएँ, तीनों आपके वार्सल लग जाएँ तो आप इसको प्रॉपर तरीके से पूरा कस दें। ये देखिए पूरा टाइट हो चुका है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे। अब हमें इसमें ब्लेड और कपलिंग डालनी है। ये इसका ब्लेड और शाफ्ट है, इसको आप इधर से डाल दें और फिर आप इसकी कपलिंग लगाएं। इसमें दोस्तों शाफ्ट में अगर गैप है, आप देख पा रहे होंगे, अगर इसमें गैप है तो आप इसमें पहले वार्सल डाल लें, एक दो जितने भी वार्सल इसमें आए। तो देखिए अब हम इसमें वार्सल डाल देते हैं। इसके गैप के हिसाब से हमने इसमें ये देखिए वार्सल डाल दिए। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे हमने इसमें वार्सल डाल दिए हैं। और उसके बाद इसकी कपलिंग लगाएंगे। इसकी जो कपलिंग है वो राइट की चूड़ी है उसकी, आप राइट साइड को इसको कसें। ये देखिए क्लॉक वाइज इसकी चूड़ी है वो कसी जाएगी। वैसे अधिकतर मिक्सी में एंटी क्लॉक वाइज होता है, लेकिन इसमें क्योंकि ये इनालसा फूड प्रोसेसर जो होता है उसका जग है, इसकी कपलिंग बिल्कुल टाइट हो गई है। ये देखिए इस तरह से, देखिए हमने इसको प्रॉपर तरीके से लगा दिया है। सॉकेट और बुश प्लेट और कपलिंग भी इसकी फिट कर दी है। दोस्तों ये इनालसा फूड प्रोसेसर का जग है। मैं समझता हूँ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इनालसा फूड प्रोसेसर के जग में सॉकेट और बुश प्लेट कैसे चेंज करें, कैसे बदलें। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और जब भी हम इस तरह की वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उससे कुछ सीख पाएँ। हम अपने चैनल पर फ्रिज, वाशिंग मशीन, डीप फ्रिज, मिक्सी, पंखे, कूलर, माइक्रोवेव, ओवन, सभी तरह के टेक्निकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी वीडियो डालते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, दोस्तों शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए लाएंगे हम। धन्यवाद।